लेकिन लड़ाई में तो दो आदमी है, एक नंबर में साहेब है हिना साहेब, दो नंबर में प्रमोद कुमार मोहन। क्या इन लोगों में क्या कुछ माने, आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए वोट का जो है विकास को देखते हुए वोट दिया जाता है, और 15 साल पहले जो हिना साहब का भी था वो सिवान में काफी विकास हुआ है, और प्रमोद कुमार मोहन को भी लोग देख रहे हैं राजनीतिक में, उनका भी मतलब जो है स्थान ठीक ठाक है। तो अब जो चाचा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो 2024 का जो चुनाव आ रही है इसमें किस तरह का नेता होना चाहिए? इस तरह तो विकास का ही नेता होना चाहिए, विकास का नेता एकदम जरूरी है, चाहे कोई भी हो विकास। हाँ, ये नहीं कि रातों रात किसी के दरवाजे से बोलेरो गायब हो गई, किसी के दरवाजे से मोटरसाइकिल गायब हो गई, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हाँ, सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सुंदर आज हम पहुँच चुके हैं सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड के सिधौल पंचायत के टिकरी मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आज मार्केट में हम घूमेंगे और बात करेंगे, आज जानेंगे कि जो 2024 में जो चुनाव होने वाली है लोकसभा संसदीय क्षेत्र का, उसमें कौन कौन मुख्य रूप में आ रहा है, मुख्य लड़ाई में है। जहाँ तक देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि चार लोग आ रहे हैं, इस चार लोग में दो लोगों का लड़ाई है 1-1-2 के रेशियो में। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक नंबर पर कौन है, दो नंबर पर कौन है, तो आइए कुछ स्पष्टीकरण करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। आइए, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसीटीवी न्यूज चैनल में। सबसे पहले हम आपका क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम रंजीत कुमार पड़ेगा। रंजीत जी, हम लोग कौन से जगह पर हैं? हम लोग हैं टिकड़ी बाजार, सिधौल पंचायत के अंतर्गत आता है। और प्रखंड कौन सा पड़ता है? प्रखंड हुसैनगंज पड़ता है। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी दिल में होगा कि हम अपना नेता बनाएंगे, किसको सांसद बनाएंगे, जैसे कि विधानसभा का पिछले बार हुआ था। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी पता है कि आपका सिवान में किस तरह का विकास हो रहा है, अभी हुआ है? देखिए सिवान में जो विकास है मूलतः नगर पालिका का ही विकास दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका जो है सिवान की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी दिख रही है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था जो है लोग विकास को ही देखते हुए किसी भी व्यक्ति को चयनित करते हैं। लोगों का मुद्दा आखिरकार राजनीतिक में विकास ही होता है, उसके बाद से भी दूसरा मुद्दा होता है, लेकिन मेन फोकस जो होता है लोगों का विकास पे ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपना नेता जो है विकास पुरुष को ही चयनित करना चाहता है। कुछ लोग तो ये भी कहना है कि विकास पुरुष रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, हम इस पार्टी का सपोर्टर है, इस पार्टी पर रहेंगे तो उस पार्टी के कोई भी आ जाएगा तो हम उसी को वोट मारेंगे। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेन जनता का मूल मुद्दा होना चाहिए विकास। ठीक है, पार्टी कोई भी हो उससे मतलब नहीं होता है, मेन मुद्दा विकास होना चाहिए। और जब तक लोगों के नज़र में विकास को अगर मुख्य मुद्दा बनाकर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। आपके कहने का मतलब है कि पार्टी से मतलब नहीं है, जो विकास पुरुष होंगे चाहे किसी भी पार्टी से निर्दलीय है, अगर वो विकास करेंगे, एजुकेटेड होंगे, जनता को समझेंगे, जनता के दिल में रहने का काम करेंगे, आप उसको वोट करेंगे, ये नहीं कहना चाहते? देखिए संविधान जो है वो लोगों को मतलब ये नहीं है कि एजुकेटेड पीपुल ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये माइंड डेवलप हो गया है कि अगर एजुकेटेड पीपुल आए गए पॉलिटिक्स में तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा, हम एजुकेटेड पीपुल को भी वोट देकर। एजुकेटेड का मतलब ये हुआ कि मतलब कि सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, बड़े छोटे का वैल्यू होना चाहिए, सबका बेटी रोटी एक जैसी है, सबका मान सम्मान होना चाहिए, ना कहना चाह रहे हैं? जी जी। लेकिन लड़ाई में तो दो आदमी है, एक नंबर में साहेब है हिना साहेब, दो नंबर में प्रमोद कुमार मोहन। क्या इन लोगों में क्या कुछ माने, आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए वोट का जो है विकास को देखते हुए वोट दिया जाता है, और 15 साल पहले जो हिना साहब का भी था वो सिवान में काफी विकास हुआ है, और प्रमोद कुमार मोहन को भी लोग देख रहे हैं राजनीतिक में, उनका भी मतलब जो है स्थान ठीक ठाक है। तो अब जो विकास करेगा, चुनाव जितना नजदीक आता जाएगा मुद्दा जनता के समक्ष आता जाएगा। और लेकिन एक तो बात है कि प्रमोद कुमार जी इसके पहले तो दिखाई नहीं दिए और अचानक टपके हुए हैं, बहुत जगह मार्केट में हम देख रहे हैं, चौक चौराहा पर देख रहे हैं कि बैनर पोस्टर लग रहा है। इसके वजह से हमको गांव गांव में जाकर मार्केट में पूछना पड़ रहा है ना कि वास्तव में प्रमोद कुमार मोहन को लोग पसंद कर रहे हैं कि ऐसे ही पोस्टर ही लगा रहे हैं, हवा की तरह खाए हैं, फिर हवा की तरह चले, पछुआ की तरह हैं, पूर्वा की तरह चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं ना है? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हर एक आदमी जो है शुरू शुरू में मार्केट में आता है तो अपना व्यक्तित्व जनता के प्रति दिखाता है कि हम किस प्रकार का विकास करेंगे। प्रमोद कुमार जी जो है लोगों के लिए न्यू फेस हैं, अगर जनता के बीच आकर अगर जन सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी प्रतिनिधि के रूप में लोग पसंद करेंगे, जैसे पहले बहुत सारे नेताओं को लोग पसंद किए हैं। इनको तो योगी का करीबी बताया जा रहा है। योगी का करीबी बताया जाता है, ये तो चुनावी अफवाह है, चुनावी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हर एक कोई आदमी किसी न किसी का करीबी होता है, लेकिन लोगों का मेन विकास जो है मुद्दा होना चाहिए, वो कौन किसका करीबी है उस पर लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जानो छानो पहचानो तो मानो? हाँ, जनता से हम यही कहना चाहते हैं, पहले परखिए जांचिए फिर किसी व्यक्ति को अपना नेता मानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। चाचा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो 2024 का जो चुनाव आ रही है इसमें किस तरह का नेता होना चाहिए? इस तरह तो विकास का ही नेता होना चाहिए, विकास का नेता एकदम जरूरी है, चाहे कोई भी हो विकास। हाँ, ये नहीं कि रातों रात किसी के दरवाजे से बोलेरो गायब हो गई, किसी के दरवाजे से मोटरसाइकिल गायब हो गई,
हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ हमको सरकार चाहिए जो विकास करे, देश को डेवलप करे, राज्य को मतलब बढ़िया से चलाए। और ये अच्छा ये बताएं कि ये जो सिवान का जो अभी कंडीशन है, हर एक सप्ताह के बाद देखा जाता है कोई घटना घट गया, कहीं भी वो घटना घट सकता है, किसी के दरवाजे से गाड़ी चोरी हो जा रहा है, किसी को ऑटो से बैटरी खोल दिया जा रहा है, और उसका बाद फिर जो मर्डर होते रहता है, और उसका बाद जो अभी चुनाव जो आता है तो लोग अपना समस्या नहीं देखते हैं, हवा फिटकरी में जाकर वोट मार देते हैं। ऐसा तो नहीं होने वाला इस बार? नहीं, नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार प्रतिनिधि को बढ़िया से देख परख के उसको वोट दिया जाए। आपके बाजार पर बहुत बड़ा पोस्टर हम देखे हैं वहाँ पर कॉर्नर पे, प्रमोद कुमार मॉल, और संत रविदास का फोटो ऊपर लगा है, नीचे में इनका लगा है यात्रा, तो ये जो बैनर पोस्टर लगा है, बहुत सारा बैनर पोस्टर लगता है, बैनर पोस्टर तो अभी आने वाले समय में अभी तो आ रहा है नजदीक, तो अभी कितने आदमी का बैनर पोस्टर लगेगा। ऐसे बैनर पोस्टर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको विकास पुरुष चुनना है जो बढ़िया काम करे अपने हमारे क्षेत्र का, उसको हम वोट देंगे। अच्छा ये जो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अगर उस तरह का कोई आदमी काम करता है, गोरखपुर तरह का सिवान बनाता है, सिवान को गोरखपुर की तरह बनाता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाता है, वोट देंगे हम उसको, वोट देंगे एकदम रियली वोट देंगे उसको, जो हमारा हमारे शहर का विकास करेगा, हमारे गली खुची का विकास करेगा, देहात का विकास करेगा, और ये जो क्या बोलते हैं ये कचरा पट्टी हट जाए। टिकरी का टिकरी मशहूर है, हम लोग आए हैं तो खा कर ही जाएंगे, तो इस टिकरी और मिठाई में मैंने क्या लोग मिला के बनाते हैं, कितना स्वादिष्ट लगता है, ये तो मिठाई वाला ही बताएगा, हम नहीं बता सकते ये मैंने जो जिसका एक्सपर्ट है वही बताएगा। लेकिन कहा जाता है कि जनता सबका एक्सपर्ट है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है, और जनता ही तिल से ताड़ से तिल बनाती है, जनता है तो सब है, मेन पावर है जनता ही, न्यायपालिका ही जनता, कार्यपालिका जनता, विधायिका जनता, यहाँ तक पत्रकारिता भी जनता, अगर जनता ना रहे तो हम लोगों में कोई महत्व नहीं है। तो अभी 2024 का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि सांसद ही प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर हमारे सांसद सही नहीं है, राज्य सरकार अगर बिगड़ेगी तो चल जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार बिगड़े तो बिगड़ जाएगा, तो पूरा देश की सवाल होती है। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, तो सिवान में काफ़ी तेजी से लहर आ रही है, तरह तरह के नेता आ रहे हैं, तरह तरह के बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी कहना है कि हम लोग आज 15-20 साल से देख रहे हैं कोई विकास के काम नहीं हो रहा है, हमको ये चाहिए कि जब हम मुख्यालय से अपने गांव की तरफ जाएं तो रोड खराब ना रहे, रोड बेहतर रहे, सबके घर पर पानी पीने का सुविधा हो, सबके शौचालय जाने की सुविधा, सबके सर के ऊपर छत होनी चाहिए, सबका समस्या सुना जाए, हमको ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, उस तरह के मैंने कैंडिडेट चाहिए। तो अभी 3-4 लोग हैं जो लड़ाई में लड़ रहे हैं, जिसमें दो आदमी लड़ाई में है, एक हिना साहब है, एक प्रमोद कुमार मल साहब है, तो आपका क्या विचारधारा है, किस तरह के कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए मिला जुला के एक ही बात है, जो विकास करेगा, और जैसे जैसे करीब आते जाएगा वोट का दिन, उस विचार से हम लोग सोचेंगे किसको वोट देना है, कौन अच्छा है कौन खराब है, उस हिसाब से हम लोग। अच्छा तो इसी पर होगा जिसका बिहेव अच्छा हो, विकास पुरुष हो, जो अच्छा काम करे, लोगों को समस्या सुने, लोगों के पास चल के जाए, लोगों को उसके पास न चल के जाए, वैसे होना चाहिए ना जी? जी जी, इसीलिए हम सोच रहे हैं, अपना विचार बना रहे हैं, जैसे नजदीक आएगा उस हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। माने नेता अच्छा होना चाहिए? जी नेता जो भी है अच्छा होना चाहिए, बस नेता दबंगा ही ना कर, ना ना एकदम बात में गोला बारूद ना चलाया, ना लोगों का ना डर। नहीं चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।